राजधानी दिल्ली में राजनीति की पाठशाला की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा गया। राजनीति की पाठशाला के संस्थापक अजय पांडे ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि संविधान दिवस के दिन जिस तरह से किसानों ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था खराब करने की कोशिश की है, इसकी उचित जाँच जल्द होनी चाहिए। राजनीति की पाठशाला के अधिकारी रोहित पांडे ने बताया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई किसानों के हिंसा के विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही पीएम मोदी से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जज की कमेटी द्वारा न्यायिक उचित जांच कराए। आज हमने राजनीति की पाठशाला की तरफ से एक ज्ञापन दिया श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और ये कहते हुए कि जो किसानों ने हिंसा की है उसकी हम भर्त्सना करते हैं, और ये कहते हैं कि संविधान दिवस के दिन जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा ये है कि जो हमने प्रधानमंत्री जी से कहा है कि आप इसकी जांच न्यायिक जांच कराइए, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं, 3 मेंबर की कमेटी बना के जांच कराई जाए, ये हमारी राजनीति की पाठशाला का मुख्य मुद्दा है। जिस तरीके से संविधान दिवस के दिन भारत की सरकार ने किसानों को रैली करने का परमिशन दिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान उठता है भारत सरकार के इस कृत्य को लेके। मेरा मानना यह है कि भारत एक हिंदुस्तान, जो हम इस पावन, जो हमारा नेशनल एक हमारा फेस्टिवल होता है जिसमें हम एक पावन दिवस के दिन 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, इंडिपेंडेंस डे हो या गणतंत्र दिवस हो, हम एक अपने शौर्य की और अपने संविधान की जो लोगों ने बनाया है, जिस तरीके से उसको खून पसीने से उसको ढाला है, बना करके हमें हमारे भविष्य के लिए, हमारी नई जनरेशन के लिए दी है, उसको उसका वो दिन होता है जिसमें हमें अपने आप को, आज वही शौर्य दिखाने का दिन था 26 जनवरी को, जिस दिन हमें यह देखने को मिला कि लाल किला के प्राचीर में वहाँ पे झंडे को गिराया गया, वहाँ पे दूसरे झंडे को रखा गया, ये एक बहुत बड़ा मामला बन गया है। राजनीति की पाठशाला ये मांग करती है कि 3 जजों की कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जजों की कमेटी गठित की जाए और न्यायिक जांच कराई जाए, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से लोगों को अंदर घुसने दिया गया है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी ये फेल्योर है, पुलिस लेवल पे भी ये फेल्योर है। तो मेरी मांग और हमारी मांग जो राजनीति की पाठशाला कर रही है वो पुरजोर तरीके से इसकी भर्त्सना करती है। हम पूरी उम्मीद करते हैं, लेकिन अभी क्राइम ब्रांच और SIT को की गठित की गई है। मुझे लगता है कि क्राइम ब्रांच और SIT अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जब सरकार खुद इसमें इन्वॉल्व है, उस दिन का परमिशन देना, 26 जनवरी को परमिशन देना, उस भीड़ को आमंत्रित करना, उस भीड़ को मौका देना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप कहीं इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी, कहीं उसके पीछे कोई षड्यंत्र दिख रहा है। जिस तरीके से आपने लोगों को ये समझने की भी आपने तनिक भी वो नहीं दिखाई कि वो लोग, जो लोग ट्रैक्टर लेके अंदर आ रहे हैं, जो भीड़ आ रही है, वो कौन से लोग हैं, वो किस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी कैसे आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, उसको सब कुछ मद्देनजर देखते हुए भी आपने ये भी आपने ऐसा कदम नहीं उठाया कि कोई ऐसी बहुत भारी कोई ऐसा हमला हो सकता है इस देश में, या कोई ऐसा मामला बन सकता है जिससे कि जान माल का खतरा हो सकता है। आज देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी का भी लॉस हुआ, आज देखिए एक लाइफ का भी लॉस हुआ, लोग मरे भी, लोगों को चोटें भी आई, लोग इंजर्ड भी हुए, हॉस्पिटल्स भी हैं, मरे भी हैं। ये जिम्मेदारी कौन लेगा, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और राजनीति की पाठशाला इसकी मांग करती है कि जल्द से जल्द न्यायिक जांच कराई जाए। आप सब लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा कि किस प्रकार 26 जनवरी के दिन, जो कि हमारा गणतंत्र दिवस होता है, उस दिन किस तरह से किसान के रूप में लोगों ने आकर आतंक मचाया, और कहीं ना कहीं उस
आतंकी वजह से एक कम्युनिटी जिसके बेस पे पूरा हिंदुस्तान आश्रय देता है उसकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की है। देखिए ज्ञापन में हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से, ये हमारा ज्ञापन है और हमने इस ज्ञापन के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट किया कि आप 3 जजों की कमेटी बनाइए जो रिटायर जज हैं, जो इस बात को स्टडी करें कि क्या है और क्या इसके पीछे की मंशा थी लोगों की, जिस तरह से उन्होंने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश की, वो भी गणतंत्र दिवस वाले दिन। तो हम लोग तो चाहेंगे इसके बाद और चीज़ों को भी परसू करेंगे और कोशिश करेंगे कि और जो एजेंसीज़ हैं उनसे भी जाके हम लोग मिलें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस तरह की चीज़ें भविष्य में ना हो और इस तरह की चीज़ों को बंद किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द डेली टुडे।